होता है वो अकेला ही होता है। जो गुरु होता है ना, वो जो शिष्य होता है वो अकेला ही होता है वहां पे। तो उसमें गुरु एक एक गाना भी है कि एक डाल पर गुरु है बैठा, एक डाल पर केला, पेड़ एक ही है और एक डाल पे गुरु है बैठा, एक डाल पे केला। तो एक ही पेड़ पे दोनों डालों पे बैठे हुए, ना कोई गुरु ना कोई केला। तो ये एक एक संदेश है। और एक संदेश ये है कि बहुत सारे गुरु जो अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हैं, तो बहुत सारे जो गुरु शिष्यों को इकट्ठा करते हैं वो तो ये चीज बताते हैं वो उनको अपने शिष्यों को कि ये समाज का ज्ञान है, ये आध्यात्मिक का ज्ञान है, और ये आपके ये ज्ञान हित का हो, ज्ञान हित का हो तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान अगर जितने भी गुरु हैं, जितने भी गुरु किसी के भी हैं, वो अपना हित भी देखते हैं और अपने शिष्यों का भी सभी का हित देखते हैं। तो हित जब देखते हैं और ज्ञान को बताते हैं तो ज्ञान हित वाला नहीं चाहिए। ये तो गुरु का ज्ञान ठीक नहीं है, ये ज्ञान ठीक ही नहीं है अपने में। ये गुरु का ज्ञान जो है वो हित वाला ज्ञान, ये सामाजिक हो सकता है, मनोरंजन का हो सकता है, ये ज्ञान आपका इस जगत में जीने के लिए हो सकता है, मगर ये ज्ञान आपको अपने जीवन काल के दौरान ये किसी अपने स्वरूप के अनुभव के में लिए नहीं हो सकता, ये ज्ञान उसमें नहीं आ सकता। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान जहां ऐसा कोई गुरु और ऐसा कोई शिष्य जिसका ज्ञान गुरु ऐसा दे कि उसके उसका ब्रेन वॉश कर दे, ब्रेन की सफाई कर दे कि तुम कितना ज्ञान जानते हो उसका साफ कर दे, ये वाला जो ज्ञान है, ये वाला ज्ञान ना कोई गुरु देता है ना कोई शिष्य लेता है, इसमें मनोरंजन तो है नहीं। तो जब मनोरंजन नहीं है, समाज नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, तो ये सब चीजें है नहीं, तो ऐसे ज्ञान का हम क्या लेके करेंगे, और मुझे ऐसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये गुरु सही नहीं है, ऐसा वाला गुरु सही नहीं। गुरु तो वो वाला सही है जो हमारे सामाजिक बताए, हमें मनोरंजन बताए, हमें कृष्ण की लीलाएं बताए, हमें राम रावण के युद्ध की कला बताए, तो हमें ऐसी चीज बताए ताकि जीवन में वो चीज हम करें और हम जो है हम एक अच्छे व्यक्ति कहलाएं ये कर करके। तो वो ऐसा ज्ञान लेना चाहता है, मगर वो जो नेहा पटेल जी को मैंने बताई थी जो सुबह बात, वो ये थी कि मैंने बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है कि आपने गुरु पूनम पे मुझे फोन किया, मुझे गुरु माना, ये एक सब्जेक्ट है, मगर मेरा जो ज्ञान है वो यही आपके लिए संदेश है कि गुरु है हद का, एक हद तक कोई भी गुरु कोई भी शिक्षा ज्ञान सफाई की ब्रेन वॉश की हो सकती है, मगर एक सीमा के बाद गुरु अपने शिष्य की ब्रेन वॉश कर ही नहीं सकता। उसके बाद में क्या होता, बोलता अकेला शिष्य आप उस जगह पे ना रन करेगा, गवन करेगा, और वो शिष्य जो है अब अनुभव की स्थिति में आएगा। तो इसलिए कबीर जी ने बोला उसका मत अगाध, उसकी जो अब बुद्धि है वो अब नहीं रह गई, अब उसका कोई सीमा खत्म हो गई उसकी बुद्धि की। सीमा का ज्ञान हम दे रहे थे उसे, और वो सीमा का ज्ञान जितना था वो मैंने सब साफ कर दिया था। अब जो उसके पास ज्ञान आया है वो अगाध है और वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो एक व्यापक ज्ञान आ गया है। अब वो गुरु, वो जो शिष्य मेरा है वो शिष्य अब गुरु समान हो गया, या गुरु वैसे अगर देखा जाए तो गुरु की स्थिति भी अपनी नहीं होती है, क्योंकि अगर गुरु होकर के कोई स्थित है इसका मतलब है कि वो ज्ञान में अभी उतना पका नहीं है। गुरु की स्थिति नहीं होती है, उसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता, उसने जो कह दिया ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, अब नहीं कहेंगे जी, दोबारा आपने कहलवा लिया, आज आए हो तो दोबारा कह देते हैं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ज्ञानों से, ऐसे गुरु से, ऐसी सम्मान से, ऐसे आशीर्वाद, ये सब चीजें ये नहीं जीवन में होनी चाहिए।
तो ये गुरु का जो है ना ऐसा गुरु उसको सक्षम गुरु कहा जा सकता है। यदि यदि हम जो आपने कहा अभी, यदि हम योगिक विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, ठीक है, तो प्रकृति में जितने जीवात्माएं हैं, ठीक है, जितनी जीवात्माएं हैं तो उसको अपनी सीमा का ज्ञान है ना, जो वो हाँ जो वो करता है या जो भी उसके अनुभव है, जो विचार है, जो जो कुछ भी है, उसको अपनी सीमा का पूरा ज्ञान है। मगर उसको हाँ मगर उसको ये ज्ञान नहीं है कि प्रकृति को जो कंट्रोल करने वाली चेतन शक्ति है, वो चेतन शक्ति ही मुझे ही नहीं सभी जीवात्माओं को चला रही है, इसका ज्ञान नहीं है। तो यदि किसी जीवात्मा को ये ज्ञान हो जाए कि नहीं, असली सत्ता तो बाहर की जो चैतन्य शक्ति है उससे है, उससे ही मेरे अंदर चेतना आ रही है कि मैं हूँ, मेरा भी अपना होना है, उसी से आ रही है। तो जिसको ये रियलाइज हो जाए जीवन में कि नहीं, सत्ता तो पीछे है, आगे नहीं, आगे तो सिर्फ मेरा कार्य है, मेरा अनुभव है, मेरा संसार है आगे, पर पीछे से जिसका पुश हो रहा है, जिसकी एनर्जी आ रही है, जिसके होने से सब कुछ हो रहा है, उसका भी और पूरे संसार का भी, तो उसका जो ज्ञान आ जाए तो वो जो है वो समझ लो बेहद वाली दशा में आ जाएगा, बेहद वाली दशा में आ जाएगा यदि उस परमात्मा ज्ञान हो जाए। और अपना जो लिमिटेशन वाला ज्ञान है उसको भी वो पूरा अनुभव में आ जाएगा कि नहीं, ये लिमिटेशन है और इसकी लिमिटेशन यही है, यहाँ तक है, ठीक है, और इसका परिणाम भी आता है, इसका परिणाम ये है, दुख हो या सुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। मगर वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है जो पूरी प्रकृति को चला रही है, वो जो उस एनर्जी से जिसका सामना हो गया और उस हाँ उसका ज्ञान हो गया, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि गुरु की दशा में है वो गुरु। हाँ, वो बेहद में जो रमे, बेहद में जो रमे उसका मता आगाध जी, तो बेहद में वो कह रहा है, हद में तो जीव का 3% ज्ञान है जी, बिल्कुल। और जो 97% परमात्मा की एनर्जी है वो उसमें जो रमे, इसका मतलब वो 3% अपने ज्ञान की, जो 3% की एनर्जी थी वो अपनी साथ में रख करके वो 97 में रन कर रहा है और इसीलिए हाँ बिल्कुल केंद्र, हाँ, पर अगर अपना केंद्र साथ नहीं रखेगा तो उसका तो अस्तित्व नहीं रहेगा उस एनर्जी में। हाँ, अस्तित्व चला जाएगा, वो तो गायब हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए उसने अपना अस्तित्व रखा 3% का, और 3% के अस्तित्व से वो अपनी एनर्जी को 97 में रन कर रहा है, इसका तो मतलब है वो बेहद में। तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई शिष्य आता है तो वो हाँ तो वो उस एनर्जी का टच उसको भी करा सकता है। हाँ, हो सकता है, उसको टच करा सकता है, और यही मेरे ख्याल से गुरु की महिमा भी है ना, यही महिमा की। तो आपने उस दिन नहीं मेरे को बोला था कि मुझे शर्मा जी बहुत सारे सितारे से दिख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल साइलेंट रहा, मैंने बोला ये अपने पत्ते खोल रहे हैं, मुझे सुनना नहीं है। वो तो मतलब कि एक नेचुरली जैसा हुआ तो मैंने बता दिया था, मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, मेरे कहने का मतलब ये कि गुरु की दशा जो है वो यही है जो अभी हमने बात की, असल दशा ये है कि वो परमात्मा की सत्ता को जानता है और उस वही जानता है उसको, मतलब कि उससे वो एकाकार है, और उसकी जो मति है वो एक संसारिक मति, जो लिमिटेड जो मति होती है, ठीक है, उस लिमिटेशन को भी जानता है, उसको जानते हुए रमता वही है। हाँ, रमता वही है। और ऐसे गुरु के शिष्य यदि ऐसे गुरु के संपर्क में कोई आए तो वो भी उस एनर्जी के टच में आ सकता है, पूरी संभावना है। एक संत मत में एक छोटा सा एक लाइन आती है, ज्योति से ज्योति जले। हाँ, ज्योति से ज्योति जले, मान लो एक दिया जल रहा है, एक गुरु को अनुभव है उस परमात्मा की शक्ति का, मतलब वो जला हुआ दिया है, यदि एक बुझा हुआ दिया उसके पास भी रख दिया जाए तो कभी ना कभी भभक के जल जाएगा वो, जाएगा, ऐसा कुछ संयोग बनेगा
है ना, उस दीपक का हवा इधर आएगी, हवा उधर जाएगी, है ना, ऐसे करके वो जल जाएगा कभी ना कभी, ऐसा समय जल जाएगा के पास रखा तो वो गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, होता रहेगा, और कभी ऐसा क्षण जरूर रहेगा कि वो जलेगा और उसको भी वही अनुभव तत्क्षण आ जाएगा जो गुरु को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो गुरु शिष्य में भेद नहीं है ना, इसलिए वो गुरु शिष्य में भेद नहीं है, नहीं है। और नहीं। यही महिमा है, और गुरु पूनम में भी मतलब कि इसलिए मनाया जाता है कि भाई जो गुरु को जो जिस सत्ता का ज्ञान है वो किसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, और गुरु के प्रति एक श्रद्धा की जो भावना लोग व्यक्त करते हैं, और कहा तो ये भी गया कि यदि पूरी श्रद्धा हो जाए फिर भी वो बुझा हुआ दीपक जल सकता है, यदि पूरी श्रद्धा हो जाए, पूरा सरेंडर ही कर दे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज हो सकती है उसी के संपर्क में, मगर अगर ऐसे गुरु जो अपने को फूल माला से सम्मानित करवा ले अपने शिष्यों को, आज हमारे भी तो वो लेकर के पंखुड़ियां और गुलाब की पंखुड़ी और बहुत सारी मालाएं लेके गए हैं, तो अगर ऐसे हाँ पहली बात तो उनका दिया खुद ही बुझा हुआ है, बहुत सारे गुरु हैं है ना, तो वो दिया क्या जलाएंगे, मनोरंजन का दिया उनका जला हुआ है। हाँ मनोरंजन का जला हुआ तो मनोरंजन ही तो मिलेगा फिर शिष्य को भी, मनोरंजन तो ज्ञान मनोरंजन का, हाँ उसको मनोरंजन का ही ज्ञान मिल जाएगा उसको, और यदि परमात्मा की एनर्जी का, यदि परमात्मा का दिया जला हुआ है ना, उस सुप्रीम सत्ता का जला हुआ है जो पूरे प्रकृति को कंट्रोल कर रही है, यदि वो दीपक जला हुआ है अंदर, तो वही शिष्य को फिर वही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सिस्टम होता है ना कि ये जो मनोरंजन का ज्ञान होता है ना, इसमें वो चीज शिष्य पकड़ लेता कि जो उसके मतलब की होती, जैसे मनोरंजन वाले गुरु ने अपनी ऐसी कोई चीजें आधा घंटा प्रवचन, आधा घंटा में उसने 10 बातें ऐसी पकड़ ली, और 300 बातें 10 उसने 10 पकड़ ली जो उसके अपने मतलब, दूसरे वाले शिष्य ने उसने अपने बले पकड़े मतलब की, तीसरे शिष्य ने, सबने अलग अलग पकड़ी, मगर जो अलग अलग पकड़ी हैं, ये जगत है, ये नाना प्रकार है, ये बात हम बहुत पहले कह रहे हैं, जगत नाना प्रकार है, मगर अगर एक दूसरी तरीके देखिए, अगर उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, सूरज की सत्ता आ रही है, धूप आ रही है सूरज से, और वो सबको लग रही है, तो उसकी धूप सभी को समान जा रही है, सभी को समान जा रही है, तो वो कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं भाई साहब हमको समान नहीं चाहिए, हमें 5% आप भेजो, और ये हमारा बगल वाला आदमी है इसे ही आप 70% भेजो, तो सूरज ये काम नहीं करता, नहीं। ये काम नहीं करता कि तुम्हें 5% दे और 70% ये काम नहीं करता, मगर जो भाषण मनोरंजन का गुरु देता है आधा घंटा एक घंटा, तो 100 शब्द बोलता है, तो 10 एक शिष्य 10 ने दूसरी पकड़ी, दूसरे शिष्य ने 10 अपने मतलब पकड़ी, तीसरे ने अपने मतलब पकड़ी, सब नाना प्रकार हो गए। और इसीलिए क्योंकि गुरु की जो हमने शर्तें भी बताई है ना, कि यदि उसको असली सत्ता क्या है उससे वो जुड़ा हुआ है परमात्मा की सत्ता से, तो ये ऐसे गुरु मतलब कि कहीं भी मिल सकते हैं, और किसी को भी चीज हो सकती है, बहुतों को तो ऐसे है कि अचानक हो जाती है और उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये चीज उनके अंदर है, उनको नहीं पता होता, उनको पता नहीं होता, वो तो जो उनको सुनने वाले होते हैं उनको लगता है कि नहीं इनके अंदर तो ये तो ऐसी चीज बता रहे हैं जो कि इस संसार की है ही नहीं, तो कुछ और ही चीज बोल रहे हैं है ना, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं और फिर वो गुरु बनाते हैं, फिर उनको भी लगता है कि अच्छा मैं गुरु हूँ, अच्छा अच्छा मुझको कुछ एक अपने योगिक साइंस का जो सिद्धांत है वो कहाँ पे शास्त्र में लिखा हुआ आप बताओ, जैसा अपना सिद्धांत है वैसा का वैसा हूबहू जो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं वो शास्त्र में कहीं लिखा नहीं, मगर शास्त्र में जो चीजें लिखी हैं वो जाकर के हमारे सिद्धांत में जाकर के फिट बैठ जाती हैं। हाँ, मैच करते हैं, मैच कर जाती हैं। तो अब जैसे उस दिन आपने ये जो बनाया था कि वहां शब्द ये लिखा हुआ है कि सुख दुख में संभव, सुख दुख में संभव, अब एक बड़ा अजीब सा एक माहौल है
ये जो समझने से पता नहीं लोग कहाँ समझते कहाँ इसका उपदेश देते। और हम लोगों ने उस दिन यही उसकी व्याख्या करी थी कि दुख में दुख की तरह और वो भी परफेक्ट, और सुख में सुख की तरह और वो भी परफेक्ट, उसको उसके समानांतर संभाव। यहाँ जो गुरु उपदेश करते हैं वो बोलते हैं कि भाई सुख दुख में, सुख दुख में संभाव, भाई दुख से दुखी नहीं होना, सुख से सुखी नहीं होना, ये वाला नहीं। तो ये वाला संदेश जा रहा, ये मनोरंजन का संदेश है, ये संदेश परफेक्ट अपने में नहीं है, ये बात हम लोगों ने उस दिन बताई थी। तो यही चीज हम अभी भी इसमें बताना चाह रहे हैं कि ये चीज इस तरीके की है कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो योगिक साइंस के सिद्धांत में जाके फिट हो जाता है, मगर हमारा जो योगिक साइंस के जो सिद्धांत हैं वो उन व्याख्याओं से मैच नहीं करते जो लोग उन शास्त्रों की व्याख्या करते हैं। पहली बात तो ये जो सिद्धांत हम लोगों ने बताया है लोगों को, ये तो कहीं है नहीं। एक तो एज इट इज है नहीं, यदि है भी कोई इसको ढूंढेगा भी तो छुटपुट शास्त्रों से, जैसे वेदांत हो गए, तंत्र शास्त्र हो गए, एक थोड़ा सा मिला के मिक्स करके वो उस वहां पे एक आ सकता है, मगर वो भी काफी मुश्किल है, वो भी काफी मुश्किल है, वो भी एक तरीके एक बुद्धि का खेल हो जाएगा, है ना, कि बुद्धि से हाँ जोड़ तोड़ के वैसे करके वैसे हो जाए। मगर सही चीज, सही पिक्चर तो तभी सामने आएगी जब वो बिल्कुल अपने अनुभव से, है ना, संसार वाला अनुभव नहीं बल्कि हाँ वो दूसरे टाइप का अनुभव है, ठीक है ना, समय वाला अनुभव नहीं, तो उसके अनुभव में हो वो, मतलब कि वहीं से बोलता हूँ हमेशा, हाँ वहीं पे बोलता हूँ तो, और बोल वही सकता है जो उन शक्तियों के टच में है। हाँ बिल्कुल, जो जो सकता है, मेन सकता है उसका टच में, जो लिमिटेशन में नहीं है संसारिक, हाँ। जो छोटी एनर्जी है, ठीक है, कि तेरा ये मेरा ये ऐसा, ठीक है, इसको जिसको अपना का भी ज्ञान नहीं है कि मैं जीवात्मा हूँ, जीवात्मा हूँ तो मेरी स्थिति क्या है, ठीक है, इसको पीछे से चला कौन रहा है, तो ये सब सारी चीजें का जिसको पूरा बोध है, पूर्ण बोध है, ठीक है, हो चुका है, उसी के अंदर है वो, तो गुरु की दशा है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि हमने हमेशा बात करी कि अंडे के बाहर और ब्रह्मांड के बाहर, तो ये कि जितने अंडे, अंडेकार जितनी सब चीजें इसके इस ब्रह्मांड में हैं, वो वन पीस अंडे के पास में, जिसको हम वन पीस कहते हैं, जिसे साइंस भी नहीं अभी ढूंढ पाई है, तो ऐसे वन पीस के जो अंडाकार स्थिति है उसके बाहर। अच्छा देखो, ये चीज हम अपने सिद्धांत में कह रहे हैं, मगर ये सिद्धांत आप यहाँ प्राकृतिक में देख लीजिए, हम जो हमारा जीवन है, हमारा जो 97% जो भाग दौड़ है या कलेक्ट करते हैं, हम चीज इकट्ठी करते हैं, वो चीजें हमारी जो शक्ति से, इच्छा से, जो कुछ भी है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, जिनसे हम मेहनत करके लेते हैं, अगर वो सब चीजें हमारी हम लेते हैं, तो जब तक बाहर की एनर्जी, अर्थात अगर अपने को यहाँ से देखें तो सांस जब तक हमारी बाहर से और होकर के पूरा फंक्शन नहीं अंदर ले लेती है, तब तक तो हम कर ही नहीं सकते। और अगर इसी सांस को रोक दिया जाए, रुक जाए, तो उसके बाद तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, उसके बाद तो हो ही नहीं सकता। मगर अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो जो हमारा शरीर मुर्दे के तरीके से है, सांस वो भी लेता है, मगर वो सांस वही 3% वाली बात आ जाएगी, 90% देता है, 3% दिखाई नहीं देता है, नहीं। वो स्थिति आ जाती है, तो ये स्थिति 3% वाले के हाथ में बस की बात नहीं, वो छोटा काम तो कर सकता, लाश को फुला देगा, सड़ा देगा, गला देगा, इतना काम कर सकता। अब तुम उसको कहो कि बहुत सारी बिल्डिंग बना ला, ये कर दे, वो नहीं कर पाएगा, वो 97% है। तो वो जो बाहर से हमारी सांस बाहर से आ रही है, तो हम इसे बाहर बोल रहे हैं, तो इसे हम अंडे को बाहर बोल रहे हैं, ब्रह्मांड के, हम भी तो ब्रह्मांड के अंदर ही है, तो हम इसे बाहर बोल रहे हैं। ये बाहर वाली स्थिति को समझ लें, परमात्मा की एनर्जी को सब मतलब एकदम अपनी दिमाग से उसको जहाँ की चीज वहीं जाके स्थित कर दें, तो आपका दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाता, मिक्स खत्म हो जाता, खत्म हो जाता, बिल्कुल। तो इसलिए हम
इसलिए कहा गया कि यदि हम अपने ही सिस्टम को समझ लें, अपने ही सिस्टम को ही, है ना, तो वो पूरे प्रकृति का सिस्टम और परमात्मा का सिस्टम समझ में आ जाएगा, वो सारा समझ में आ जाएगा। ये योगी सिद्धांत, एक सिद्धांत है ये, योगी सिद्धांत हमारा। ठीक है शर्मा जी, आज की चर्चा हम ठीक है यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, काफी लंबी चर्चा हो जाए, क्योंकि गुरु पे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है ना, बहुत कुछ बोला जा सकता है और बहुत एंगल से बोला जा सकता है, तो कभी और भी बीच बीच में बात करेंगे। ठीक है, गुरु पूनम तो हर साल आती है ना, कुछ ना कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज की चर्चा हम ये समाप्त करते हैं। हाँ ठीक है जी, ओके, धन्यवाद जी।